हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज पर लूप को ही लेकर के एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको समझेंगे और भी चीजें उसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को जरा आप देखिए, यहाँ पर ये हेडर फाइल है और यहाँ इंट मेन फंक्शन बनाया है और यहाँ रिटर्न जीरो ही तो करवाया है, और ये जो है ये हिस्सा इंक्रीमेंट कहलाता है और ये हिस्सा वाइल, यहाँ पे वाइल लूप लगा है, ये हिस्सा कंडीशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो है इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन दे दिया और यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाया। ये देखिए ये हिस्सा जो है ना इंक्रीमेंट कहलाता है, और ये मैंने कमेंट लगाया हुआ है, कमेंट लगाने के लिए आप दो बार ऐसे स्लैश लगा देंगे तो कमेंट हो जाएगा, ये यानी ये लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी। तो अभी इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आएगा लाइन से एक हॉरिजॉन्टली लिख के आएगा, पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा और टेन भी आएगा। तो चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं क्या आता है। इसको एक बार मैंने कंपाइल करवाया, देन यहाँ से रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन टू से लेकर टेन तक आ रहा है। तो क्या ये एक एक छोड़ करके नहीं आ सकता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया, यहाँ पे देखिए ये इंक्रीमेंट में आई प्लस इक्वल टू टू कर दिया, तो बस हो गया काम। अब देखिए ये वन आएगा, वन के बाद टू नहीं आएगा, थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर नहीं आएगा, फाइव आएगा, फाइव के बाद सिक्स नहीं आएगा, सेवन आएगा, ऐसे करके चलेगा। तो एक बार इसको कंपाइल एंड रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। यहाँ पे कंपाइल एंड रन करवाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे फाइव, वन के बाद थ्री आ रहा है, थ्री के बाद फाइव आ रहा है, फाइव के बाद सेवन और नाइन, और चूंकि टेन है तो लेस देन इक्वल टू टेन है, तो यहाँ टेन तो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेवन आगे प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये इंक्रीमेंट जो करवाया उसके अकॉर्डिंग इलेवन आगे प्रिंट हो जाएगा, जिसके चलते ये आगे चलेगा तो, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा।